साहेब बंदगी सत्यनाम जी, मालिक के सभी प्यारे जीव हंसों को कोटि कोटि नमन। मेरे जैसे अनेक जीव जो अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे थे, सतगुरु नितिन दास जी ने ज्ञान की ज्योत जलाकर हमें रास्ता दिखाया। हमें आज तक यही ज्ञान नहीं था कि इस संसार रूपी जेल में जीव है या आत्मा। सतगुरु नितिन दास जी ने परम पिता परमात्मा रूपी कबीर दास जी के मूल ज्ञान को खोलकर सत्संग के रूप में हमारे सामने रखा। अनगिनत बार हम सभी ने कबीर दास जी की वाणियों को सुना, पर जिस तरह से सतगुरु नितिन दास जी ने इन वाणियों का अनुवाद किया है, ऐसे किसी भी संत ने हमें नहीं समझाया। उन्होंने ही समझाया कि 52 अक्षर क्या है और नी अक्षर क्या है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। उनके सत्संग रूपी ज्ञान को सुनकर ही हम समझ पाए कि आज तक हमने जो भी किया, जैसे मूर्ति पूजा, जप, तप, श्वासों के जाप, ये सब करने से हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीवा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। वह सार शब्द, शब्द गुरु, वह तो विदेह स्वरूप है। और हम सभी श्वासों के जाप, ओम सोहम सत्य कबीर जपने में लगे हुए थे, मूर्तियों में ढूंढने में लगे थे। उन्होंने ही हमें बताया कि ये सब करने से हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हुई जो हम सभी जीवों के उद्धार के लिए सतगुरु नितिन दास जी की चरण शरण हमें करवा दी। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली जीव हैं जिनको सतगुरु नितिन दास जी का ज्ञान सुनने को मिला। उस परम पिता परमात्मा और नितिन दास जी का बहुत बहुत शुक्राना। सभी परमात्मा के प्यारे जीव जो से विनर्म परमात्मा के सभी प्यारे जीवों से विनम्र निवेदन है कि एक बार कहत कबीर सुनो भई साधो यूट्यूब चैनल पर जाकर कम से कम 50 सत्संग तो जरूर सुने। इस सब में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम सभी भटके हुए जीव हैं, सभी को परमात्मा की तलाश है। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग जरूर सुने। सुरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सुरत बांध अस्थिर करो आठों पहर हजूर। साहेब ने समझाया कि अपनी सुरत को संभालो, अपनी सुरत को ही उस शब्द गुरु में लगाओ। साहेब बंदगी सत्यनाम।